इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। यहाँ पे मिले थे, सिर्फ बात करते करते फिर उसके बाद बात करते करते जो भी हुआ, फिर उसके बाद हमको आए थे, वो बोले कि हमने आपको कभी देखा नहीं, आप टिकट वगैरह निकालिए, मैं आता हूँ। उन्होंने ही रिजर्वेशन वगैरह करके दिए थे, मैं आई इनके घर पे रही रात भर, और इन्होंने मेरे को देखा। देखने के बाद फिर मैं चली गई अपने नागपुर, और फिर उसके बाद इनके घर वालों को पता चल गया। आजू बाजू के जो लड़के मेरे को देखे थे, कभी फोटो वगैरह लगाते थे मेरी, जो लड़के मेरे को जानते थे, उनके घर में जाके बता दिए कि क्या बोलते हैं और रितु निषाद वो कोई और नहीं है, और क्या बोलते हैं इनकी गर्लफ्रेंड है। ये मालूम पड़ने के बाद उनके घर वालों ने बोला कि नहीं, उससे बिल्कुल बात नहीं करना, वो अदर कास्ट की है। तो उनके घर वालों ने बोला कि वो अदर कास्ट की है, जब उससे शादी कर लोगे तुम तो उसके साथ मतलब कैसे हम लोग रहेंगे, नहीं पानी पी नहीं पाएंगे, उसके हाथ का ना बनाया हुआ खाना खा पाएंगे, क्या करेंगे उसका। और वो बंदा अभी मेरे से शादी किया, उस दिन मेरे को बोल रहा था कि रितु तेरे मतलब तेरे साथ कौन रहना चाहेगा। मैंने बोली क्या हुआ, तो बोल रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता, आप अदर कास्ट की हो यार। सोशल मीडिया के प्यार को खोजती नागपुर से आई युवती, नागपुर की रहने वाली एक युवती से जौनपुर के एक युवक को करीब 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई, दोनों ने शादी तक कर ली, बाद में युवक उसे छोड़कर भाग गया। बातचीत के दौरान दोस्ती प्यार में बदल गई, दोनों फोन पर बातें करने लगे। युवती से मिलने युवक नागपुर पहुंच गया, वहां एक मंदिर में शादी करके दोनों साथ रहने लगे। 1 साल तक साथ रहने के बाद युवक वहां से भाग गया। अब उसे खोजते खोजते शुक्रवार को युवती जौनपुर आ गई, उसने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। नागपुर की रहने वाली युवती ने बताया कि दोनों के बीच दोस्ती हुई, काफी दिनों तक बात करने के बाद नागपुर के ही एक मंदिर में जाकर शादी कर ली, युवक भी तैयार था तो दोनों साथ रहने लगे। नागपुर में 1 साल तक रहने के बाद एक दिन अचानक युवक ने अपनी मां की तबीयत खराब होने की बात कहते हुए घर जाने की बात कही। युवक जौनपुर के लिए चला, घर आने के कुछ दिन के बाद युवक मोबाइल बंद कर लिया और संपर्क युवती से टूट गया। ऐसे में युवती ने युवक के परिवार वाले से संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस स्थिति में पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर युवक को खोजने की मांग की, कहा कि उसने शादी की है, वह उसी के साथ रहेगी। इंडियन टीवी न्यूज से शादा बंसारी, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।